हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ में गोहिल राजवंश, और इसमें भी हम उदय सिंह तक के शासकों के बारे में पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम महाराणा प्रताप और उसके आगे के शासकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, राम सिंह तंवर, बिदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, मानसिंह कछवाहा। राणा उदय सिंह के बाद हम यहाँ पे महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, महाराणा प्रताप की सेना में दो भाग थे हल्दीघाटी के युद्ध में। एक था अगर भाग, जिसको क्या कहा जाता था, हरावल। अगर भाग को क्या कहते थे, हरावल कहते थे। और दूसरा था आपका पश्च भाग या पीछे का भाग, जिसको क्या कहा जाता है, चंदावल कहा जाता है। पीछे का भाग क्या कहलाता है, चंदावल। और यदि हम हरावल की बात करें तो इसका जो नेतृत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, हकीम खां सुरपठान। किसके द्वारा, हकीम खां सुर के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और ये जितने भी नाम आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, राम सिंह तंवर है, इसके अलावा झाला बिद्दा है, इसके अलावा रावत कृष्णदास चुंडावत है, मानसिंह कछवाहा को छोड़कर के, ये सभी इसी हरावल सेना में क्या थे, शामिल थे। तो हरावल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, हकीम खां सुर के द्वारा, और इसके सहयोगी के रूप में राम सिंह तंवर, बिदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, ये हरावल सेना में ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। बात करें हम चंदावल सेना की, तो देखिए चंदावल सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुंजा भील के द्वारा। लेकिन राणा प्रताप ने इन्हें राणा की उपाधि दी थी, तो आप लिख सकते हैं राणा पुंजा भील। चंदावल सेना में पुंजा भील के तीन सहयोगी और होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका चारण जैसा, ये चंदावल सेना के भाग में यहाँ पे लिखा रहा हूँ। एक है आपका चारण जैसा, पुंजा भील का सहयोगी। दूसरा है आपका पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ, आप साथ साथ नोट करते जाएं। तीसरा है आपका जयमल मेहता। तीसरा कौन सा है, जयमल मेहता। ये किस सेना के भाग होते हैं, चंदावल सेना के भाग होते हैं। इस प्रकार से हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 को होता है। कई किताबों में आपको 18 जून देखने को मिलेगा। तो हल्दीघाटी के युद्ध की हम बात करें तो कब होता है, 21 जून 1576 को, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है राजसमंद जिले में। कहाँ पे होता है, राजसमंद जिले में ये युद्ध होता है। दोस्तों, हल्दीघाटी के बारे में जो आपकी 10वीं क्लास की किताब है उसमें लिखा है कि हल्दीघाटी की मिट्टी का जो रंग है वो पीला नहीं था, बल्कि वहाँ पर नई नवेली दुल्हन, जिनकी अभी 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 तक हाथ की मेहंदी और शरीर पर लगी हल्दी भी नहीं उतरी थी, वो महिलाएं भी पुरुषों के भेष में युद्ध लड़ी थी। इसी वजह से इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखिए राजपूत सरदार जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, वो अभी है मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसमें सही उत्तर होगा राम सिंह तंवर, बिदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। जबकि मानसिंह कछवा तो किसके पक्ष में लड़ा था, अकबर के पक्ष में लड़ा था। तो यहाँ पे 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो अभी हमने डिस्कस किया है हकीम खां सुर पठान, जो कि हरावल सेना का नेतृत्व करता है, तो किसकी सेना का सेनापति था, होता है ये महाराणा प्रताप। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में राणा प्रताप का जन्म होता है। हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में कर लेते हैं। जन्म कब होता है महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540
40 को। कहाँ पे होता है 1540 को, कहाँ पे होता है, कुंभलगढ़ के किले में, कटारगढ़ में राणा प्रताप का जन्म होता है। और याद रखें 1572 में गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1572 में ही राणा उदय सिंह का निधन होता है और गोगुंदा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहीं गोगुंदा में ही राणा प्रताप का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे होता है, गोगुंदा में। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि उदय सिंह ने मरने से पहले बड़े पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन वहाँ के जो राजपूत सरदार थे मेवाड़ के, उन्होंने मिलकर के 1572 में राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। उन्होंने जो अपना शासक है वो किसे स्वीकार किया, महाराणा प्रताप को। इनके बचपन के नाम की हम बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, कीका। किस नाम से प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप, कीका के नाम से प्रसिद्ध हैं। खासतौर पर जो भील जनजाति थी उनके लोग इनको कीका कहा करते थे। दोस्तों बात करें हम अकबर की, तो अकबर अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति को लेकर के राजस्थान के राजपूत राजाओं को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के अकबर का मेवाड़ पे आक्रमण करना जरूरी था, लेकिन लेकिन यहाँ पर स्वाभिमानी राणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप याद रखें, राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए या उसको मनाने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए अकबर चार व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रताप के पास भेजता है। और इनका क्रम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखें इनका जो क्रम है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जम्मा भाटो, जहाँ पे जय का मतलब है जलाल खां कोरची, आप साथ साथ नोट करते जाएं, जय का मतलब जलाल खां कोरची। माँ का मतलब दोबारा दूसरे नंबर पे किसे भेजा गया, मानसिंह को भेजा गया। और मानसिंह के बाद किसे भेजा गया, भगवंत दास को। और सबसे अंत में किसे भेजा गया प्रतिनिधिमंडल के रूप में, टोडरमल को भेजा जाता है। लेकिन याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चारों कब से कब तक भेजे गए, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1572 से लेकर के 1576, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1572 से लेकर के 1576 के बीच ये चार प्रतिनिधिमंडल जो है वो राणा प्रताप के पास भेजे गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी के साथ भी समझौता नहीं किया। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा। ऑप्शन आपके सामने है, कर्नल टोड, बंदायूनी, अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात करें तो तीन व्यक्ति व्यक्ति यहाँ पे मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं। एक है आपका कर्नल टोड। देखिए कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। किसने कहा, कर्नल टोड ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को, कर्नल टोड ने। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध भी किसने कहा है, कर्नल टोड ने ही कहा है। दूसरा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं अबुल फजल। देखिए अबुल फजल जो हैं उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने। इसके अलावा हम बात करें बंदायूनी की, तो बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बंदायूनी ने। इसके अलावा अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको क्या पूछा गया है, खमनोर का युद्ध किसने कहा, तो खमनोर का युद्ध किसने कहा दोस्तों, अबुल फजल ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। और याद रखें इस युद्ध में बंदायूनी जो है, इसके अलावा अबुल फजल है वो भी इस युद्ध में साथ थे। उनकी एक किताब है जिसका नाम है मुतखाब उल, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुतखाब उफ उल, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, मुतखाब उल त्वारिक। ये किसकी किताब है, ये किताब है दोस्तों बंदायूनी की।
और इस किताब के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है। इसके अलावा बहुत ही शानदार बात, इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत का उल्लेख करने वाले कुछ ग्रंथ भी हैं और कुछ अभिलेख भी हैं। इसके अलावा कुछ ताम्रपत्र भी हैं जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख करते हैं, और वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला है राज रत्नाकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? राज रत्नाकर। और राज रत्नाकर की हम बात करें तो ये किसकी रचना है? सदाशिव भट्ट, जो कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। सदाशिव भट्ट, राज रत्नाकर किसकी रचना है? सदाशिव भट्ट की रचना है, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है हल्दी घाटी के युद्ध में। दूसरी हम बात करें तो एक है आपकी राज प्रकाश। आप साथ साथ नोट करते जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। राज प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? किशोरदास की। इसमें भी महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। आगे हम बात करें तो एक है राणा रासो, या राणा रासो, राणा रासो। और राणा रासो किसकी रचना है? राणा रासो है दयालदास की रचना। इसमें भी दयालदास की रचना है, इसमें भी महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, वही राज प्रशस्ति जो कि राजसमंद झील के किनारे नौचुके की पाल पर 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इसको लिखने वाले या उत्कीर्ण करने वाले कौन हैं? रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। महाराणा राज सिंह के काल में उत्कीर्ण करवाई जाती है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। तो राज प्रशस्ति में भी महाराणा प्रताप की जीत का या विजय का उल्लेख मिलता है हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके अलावा उदयपुर का जो जगदीश मंदिर प्रशस्ति है, उदयपुर की जगदीश मंदिर प्रशस्ति, या जगदीश मंदिर प्रशस्ति, या जग मंदिर प्रशस्ति, इसमें भी महाराणा प्रताप की जीत का या विजय का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसके अलावा एक ताम्रपत्र है, और उस ताम्रपत्र का नाम है मगेश्वर ताम्रपत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ताम्रपत्र? मगेश्वर ताम्रपत्र, जिसमें राणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पीपली, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एक और ताम्रपत्र पीपली। लाखेला, लाखेला। इसके अलावा ओडा और मोही, ओडा और मोही, ये चार ताम्रपत्र और हैं जिसमें महाराणा प्रताप की विजय का या जीत का उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि किन किन ताम्रपत्रों में महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। तो ये हैं आपकी मगेश्वर, पीपली, लाखेला, ओडा और मोही। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है गोगुंदा, कोल्यारी, चावंड और जावर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावंड। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की जो राजधानी है वो कौन सी थी? गोगुंदा। हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी क्या थी? गोगुंदा थी। लेकिन युद्ध के तुरंत बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कुंभलगढ़ को। वेरी इंपॉर्टेंट, युद्ध के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? कुंभलगढ़ को। लेकिन यहाँ पे कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चावंड। लेकिन याद रखें चावंड को भी अपनी राजधानी बनाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं दिवेर युद्ध के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट, किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया? तो वो है आपका दिवेर युद्ध। देखिए दिवेर का युद्ध होता है 1582 ईस्वी में, 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, और राजधानी बनती है दिवेर युद्ध के बाद 1585 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में। जबकि दिवेर के युद्ध के बाद राजधानी कब बनाया जाता है? 1585 में। यहाँ पर क्वेश्चन में कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? चावंड होगा। चावंड की हम बात करें तो ये राजधानी बनती है 1585 में, और कब तक रहती है? ये रहती है आपकी 1597 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1597 तक चावंड जो है वो मेवाड़ की राजधानी रहती है, क्योंकि 1597 में राणा प्रताप का निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ
कि 1585 से लेकर के 1597 तक महाराणा प्रताप की जो राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी महाराणा प्रताप के समय में, वो कौन रहती है? चावंड रहती है। और ये 1585 से 1597 तक हम देखें तो लगभग 12 साल, तो 12 साल चावंड मेवाड़ की राजधानी रहती है महाराणा प्रताप के काल में। लेकिन आगे भी 1597 से लेकर के जब तक मुगल मेवाड़ संधि नहीं होती, तब तक चावंड राजधानी रहती है मेवाड़ की, अमर सिंह के काल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह के काल में कब तक रहती है? 1616 ईस्वी तक, 1597 से लेकर के 1616। और ये काल किसका है? अमर सिंह का। वैसे तो 1620 तक है अमर सिंह का काल, लेकिन हम राजधानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 1597 से लेकर के 1616 तक चावंड जो है वो अमर सिंह के काल में भी राजधानी रहती है मेवाड़ की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन एक उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे 1597 से लेकर के 1613 ईस्वी तक ही राजधानी रहती है। बीच में जो आप 3 साल का गैप देख रहे हो, 1613 से लेकर के 1616 तक, उस समय कहा जाता है कि मेवाड़ की कोई भी राजधानी नहीं थी। और इसके बाद 1616 में मुगल मेवाड़ समझौते के बाद राजधानी बनती है उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल मेवाड़ संधि के बाद राजधानी कौन सी बनती है? उदयपुर बनती है। और ये राजधानी कौन बनाता है? अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। कौन बनाता है? अमर सिंह का पुत्र करण सिंह बनाता है। और ये संधि भी कौन करता है? ये भी करण सिंह के द्वारा ही की जाती है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1597 से लेकर के 1616 तक की हम बात करें तो मेवाड़ की राजधानी क्या होती है? चावंड होती है। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1613 तक ही चावंड मेवाड़ की राजधानी रहती है। 1613 से लेकर के 1616 ईस्वी तक मेवाड़ की कोई भी राजधानी नहीं होती है। और 1616 के बाद मुगल मेवाड़ संधि के बाद जो मेवाड़ की राजधानी है वो कौन सी बनती है? उदयपुर बनती है। और ये राजधानी कौन बनाता है? ये राजधानी बनाता है करण सिंह। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चावंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। दिवेर की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में होता है, ये किसके मध्य होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अमर सिंह प्रथम और जहांगीर, जयसिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह द्वितीय और अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका राणा प्रताप और अकबर। दोस्तों दिवेर का युद्ध की हम बात करें तो दिवेर का युद्ध वो युद्ध है जिसमें सीधे तौर पर राणा प्रताप की जीत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे तौर पे राणा प्रताप की क्या होती है? जीत होती है। इसमें विजयी कौन होते हैं? राणा प्रताप होते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, उसके बाद 1585 तक अकबर की या अकबर की सेना के द्वारा या अकबर के द्वारा मेवाड़ पे अनेक आक्रमण किए जाते हैं। और पहला आक्रमण जो है वो किसके नेतृत्व में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला आक्रमण 1576 से लेकर के 1585 ईस्वी तक, 1576 से लेकर के 1585 ईस्वी तक मेवाड़ पे अकबर के द्वारा बहुत आक्रमण किए जाते हैं, अनेक आक्रमण किए जाते हैं। और यदि पहले आक्रमण की हम बात करें तो पहला आक्रमण जो है वो किसके नेतृत्व में होता है? शाहबाज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होता है? शाहबाज खां के नेतृत्व में। और याद रखें शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 आक्रमण होते हैं, और तीनों की यहाँ पे डेट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 1577 ईस्वी में, उसके बाद 1578 में, और उसके बाद 1579 ईस्वी में। 1579 पहला जो आक्रमण है मेवाड़ पे 1576 के बाद, वो 1577 में होता है शाहबाज खां के नेतृत्व में, उसके बाद 1578 में भी शाहबाज खां के नेतृत्व में, और 1579 में भी शाहबाज खां के नेतृत्व में। और ये तीनों जो आक्रमण है वो कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं कुंभलगढ़ पे। ये भी आप साथ साथ नोट करें, कहाँ पे होते हैं? कुंभलगढ़ पे ये तीनों के तीनों आक्रमण शाहबाज खां के द्वारा होते हैं। इसके अलावा 1580 में आक्रमण होता है, दूसरे आक्रमण की हम बात करें तो ये कब होता है? 1580 में, और ये किसके नेतृत्व में होता है? अब्दुल रहीम खान खाना। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके नेतृत्व में होता है? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। और इसके बाद होता है आपका 1582 में, 1580 के बाद
1582 में जो है आपका दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, दिवेर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मुगल सेनानायक, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवेर के युद्ध की हम बात करें तो इस युद्ध में सेनानायक जो है अकबर का जो सेनानायक है इस युद्ध में, जिसका नाम मिलता है सुल्तान खां। क्या नाम है? सुल्तान खां। इस सुल्तान खां को अमर सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। तो याद रखें, इस युद्ध में सुल्तान खां जो है वो क्या होता है, मारा जाता है। ये मुस्लिम सेनापति है अकबर का। तो दिवेर के युद्ध में अकबर का कौन सा सेनापति मारा जाता है? सुल्तान खां। और अंतिम जीत जो है वो किसकी होती है? महाराणा प्रताप की होती है। और एक और शानदार बात, अकबर की ओर से राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अकबर की ओर से राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में किया जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं किसके नेतृत्व में किया जाता है, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान था। अभी हमने पढ़ा कि 1585 में चाबंड राजधानी बनी थी मेवाड़ की। तो याद रखिए, 1585 के बाद मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं होता है। अकबर जो है वो 1585 के बाद मेवाड़ पे कोई भी आक्रमण नहीं करता है। अकबर यानी 1585 से लेकर के प्रताप के निधन तक की हम बात कर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 1585 से लेकर के प्रताप के निधन तक कोई भी आक्रमण अकबर की तरफ से मेवाड़ पे नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में राणा प्रताप ने दो स्थानों को छोड़ करके बाकी जितने भी छोटे मोटे इलाके थे मेवाड़ के, सबको यहाँ पे क्या करता है, जीत लेता है। और वो दो स्थान है आपके, एक है आपका चित्तौड़गढ़ और एक है आपका मांडलगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से साथ साथ इसको नोट करते जाएं। देखिए, 1585 के बाद 1597 तक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1597 में महाराणा प्रताप का निधन होता है। तो 1585 से लेकर के 1597 ईस्वी तक अकबर की तरफ से कोई भी आक्रमण मेवाड़ पे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप जो हैं वो मेवाड़ के जितने भी छोटे मोटे इलाके हैं उनको जीत लेते हैं। और जीत करके लेकिन दो स्थान वो यहाँ पे नहीं जीत पाते हैं, और वो दो स्थान आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है आपका चित्तौड़, एक कौन सा है, चित्तौड़, और दूसरा है आपका मांडलगढ़। दूसरा कौन सा है, मांडलगढ़। ये दो स्थान महाराणा प्रताप नहीं जीत पाते हैं, बाकी सभी स्थानों को महाराणा प्रताप के द्वारा जीत लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप और अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है और ये किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। तो ये है आपका 1582 ईस्वी का दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह और माधो सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जगमाल सिंह। ये महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। कौन सी जागीर प्रदान करता है अकबर इसे? जहाजपुर की जागीर। इसके अलावा आप याद रखें, राणा प्रताप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो जाते हैं तो राणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं और पीछे अकबर की सेना होती है। तो ऐसी स्थिति में अकबर की सेना के जो सैनिक होते हैं उनको मार करके अपने भाई राणा प्रताप की जान बचाता है यहाँ पे। और वो उसका भाई कौन होता है? शक्ति सिंह। किसके द्वारा बचाया जाता है? शक्ति सिंह को, शक्ति सिंह के द्वारा बचाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि चावंड जो है वो 1585 से लेकर के 1597 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहती है। महाराणा प्रताप के काल में 1597 में महाराणा प्रताप का निधन होता है। तो ये जो टाइम आप देख पा रहे हो ये लगभग कितने साल का है? 12 साल का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 12 साल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर,
चावंड राजधानी किससे संबंधित रही? तो चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है, चावंड को राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका बेटा जिसका नाम है अमर सिंह, क्या नाम है? अमर सिंह जो है वो मेवाड़ का शासक बनता है। कौन बनता है? अमर सिंह। और इसका जो शासनकाल है वो क्या होता है, 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक मेवाड़ पे शासन करता है। दोस्तों अमर सिंह के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 10 फरवरी 1615, आप साथ साथ नोट करते जाएं, 10 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि होती है। और ये संधि होती है उस समय मुगल शासक कौन होता है, जहांगीर, और मेवाड़ का शासक कौन है, अमर सिंह। लेकिन प्रयास किसके थे, ये प्रयास थे जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी कि शाहजहां, और इधर आपके अमर सिंह के बेटे करण सिंह, जो कि दोनों आपस में मित्र थे और दोनों के प्रयासों से ये संधि होती है। लेकिन अमर सिंह इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, याद रखें अमर सिंह इस संधि से राजी नहीं थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमर सिंह जो है वो इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होती है, लेकिन प्रयास किसके होते हैं, जहांगीर के बेटे खुर्रम जिसे शाहजहां कहा जाता है, और इधर आपके अमर सिंह के बेटे करण सिंह के मध्य ये संधि होती है, इन्हीं के प्रयासों से ये संधि होती है, लेकिन अमर सिंह के द्वारा इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो अभी हमने डिस्कस किया है, जब मुगल मेवाड़ संधि होती है उस समय मुगल शासक कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये संधि होती है 10 फरवरी 1615 ईस्वी को, 1615 ईस्वी को ये संधि होती है। और इस समय जो मुगल शासक है वो कौन होता है, जहांगीर, और मेवाड़ का शासक कौन होता है, अमर सिंह। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराणा राज सिंह प्रथम। 17वीं शताब्दी की हम बात करें तो ये 17वीं शताब्दी की हम बात करें तो ये बात है आपकी 1679 की, और इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन होते हैं, राज सिंह प्रथम। 1679 में मेवाड़ महाराणा कौन थे, महाराणा राज सिंह प्रथम। दोस्तों सिसोदिया राठौड़ गठबंधन का क्या मतलब है, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका क्या मतलब है, देखिए उस समय 1679 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस समय ये मेवाड़ सिसोदिया राठौड़ गठबंधन 1679 में होता है, 17वीं शताब्दी में होता है। तो इस समय मारवाड़ का जो शासक है वो कौन था, जसवंत सिंह, और इनके पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम है अजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह के पुत्र का क्या नाम था, अजीत सिंह नाम था, और अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, लेकिन दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय के प्रयासों से यहाँ पे अजीत सिंह को बचाकर या फिर उनके उसके चुंगल से बचाकर लाया जाता है। लेकिन मारवाड़ पे अधिकार किसका होता है, औरंगजेब का होता है। तो ऐसी स्थिति में महाराणा राज सिंह इन्हें केलवा की जागीर दे करके, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी जागीर प्रदान करते हैं, केलवा की जागीर प्रदान करते हैं, और केलवा की जागीर प्रदान करके इन्हें शरण प्रदान करते हैं। इसी को कहा जाता है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, और ये कब होता है, 1679 में होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा राज सिंह प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, औरंगजेब के द्वारा 1679 में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया, इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि 1679 में मेवाड़ का शासक कौन था,
महाराणा राज सिंह प्रथम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। राज सिंह प्रथम के कार्यकाल की हम बात करें तो इनका जो शासन काल है मेवाड़ पे वो होता है 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक मेवाड़ पे शासन करते हैं। इसके अलावा आप याद रखें, राज सिंह को 6,000 की जात और सवार प्रदान करता है कौन? औरंगजेब। 6,000 की जात और सवार प्रदान किए जाते हैं, 6,000 के सवार प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। लेकिन औरंगजेब की हम बात करें तो आगे चल करके दोनों की जो दोस्ती है औरंगजेब और राज सिंह की वो टूट जाती है। और इसके तीन कारण होते हैं। एक कारण आपका कि राज सिंह के द्वारा चारुमति से विवाह करना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, चारुमति किस राजकुमारी से विवाह किया था राज सिंह ने? चारुमति से। दूसरा जो कारण है वो है आपका जजिया कर, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाना, इसका विरोध किया था किसने? महाराणा राज सिंह ने। और तीसरा कारण होता है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, जो कि 1679 में होता है। इन तीनों कारणों से दोनों की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राणा राज सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए चार गांव अनुदान में दिए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस महाराणा ने अजमेर दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चार गांव जो है वो अनुदान में दिए थे? ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनके शासनकाल की हम बात करें तो इनका शासनकाल होता है 1734 से लेकर के 1751 तक मेवाड़ पर शासन करते हैं, जो कि संग्राम सिंह द्वितीय के बाद राजा बनता है। इससे पहले जगत सिंह द्वितीय से पहले राजा कौन होता है? संग्राम सिंह द्वितीय। ये भी आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, संग्राम सिंह द्वितीय के बाद राजा कौन बनते हैं? जगत सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय की हम बात करें तो संग्राम सिंह द्वितीय ने ही उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। सहेलियों की बाड़ी जो कि उदयपुर में है, सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा जगत सिंह की हम बात करें तो जगत सिंह ने दरगाह के लिए चार गांव अनुदान में दिए थे, और इसी ने पिछोला झील के निकट, कहाँ पे? उदयपुर में जो पिछोला झील है वहाँ पे जग निवास महल का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जग निवास महल का जो निर्माण है पिछोला झील के समीप वो किसके द्वारा करवाया जाता है? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। और याद रखें ये वही व्यक्ति है जिसने 1734 ईस्वी में हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हुड़ा सम्मेलन, हुड़ा सम्मेलन 1734 में भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन किसके द्वारा की जाती है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। मराठों के विरुद्ध 1734 में हुड़ा सम्मेलन का गठन किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जगत सिंह द्वितीय। इसके अलावा थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे जगत सिंह प्रथम की करते हैं। देखिए जगत सिंह प्रथम की हम बात करें, जगत सिंह फर्स्ट की हम बात करें तो जगत सिंह फर्स्ट का जो शासनकाल है मेवाड़ पे वो होता है 1628 से लेकर के 1652 तक मेवाड़ पे शासन करते हैं। और राज सिंह से पहले मेवाड़ का जो शासक होता है वो कौन होता है? जगत सिंह प्रथम ही होता है। इसी ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जगन्नाथ राय प्रशस्ति उत्कीर्ण है जगदीश मंदिर में ही। और इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है आपके कृष्ण भट्ट तेलंग। किनके द्वारा उत्कीर्ण की गई है ये? कृष्ण भट्ट तेलंग के द्वारा उत्कीर्ण की गई। इसके अलावा जगत सिंह प्रथम ने ही पिछोला झील के समीप जग मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जग मंदिर। जबकि जग निवास का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कहाँ पे करवाया जाता है? उदयपुर में। किसके द्वारा करवाया जाता है? ये है आपके संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी, महाराणा संग्राम सिंह यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। इनके शासनकाल की हम बात करें तो 1722
10 से लेकर के 1710 से लेकर के 1734 तक मेवाड़ पे शासन करते हैं महाराणा संग्राम सिंह। दोस्तों इसी इन्हीं के समय दिल्ली का जो मुगल बादशाह है वो कौन था, फर्रुख सियर, वेरी इंपॉर्टेंट है फर्रुख सियर, आप साथ साथ नोट करते जाएं। दिल्ली का जो मुगल बादशाह है संग्राम सिंह के शासन काल के समय कौन था, फर्रुख सियर, जिसने संग्राम सिंह को 7000 का मनसब और 7000 का सवार प्रदान किया था। और याद रखें बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, मेवाड़ चित्रकला शैली में जो कलीला दमना है जो कि पंचतंत्र का भाग है, कलीला दमना, इसका जो चित्रांकन है मेवाड़ चित्रकला शैली में वो सबसे पहले संग्राम सिंह के शासनकाल में ही होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संग्राम सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम और स्वरूप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप सिंह। ये वही स्वरूप सिंह है जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का राजा था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह। और इनका जो शासन काल है मेवाड़ पे वो होता है 1842 से लेकर के 1861 तक मेवाड़ पे शासन करते हैं। इसका यदि हम बात करें सती की हम बात करें तो यहाँ पे इनकी जो पासवान है जिसका नाम मिलता है एंजाबाई, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एंजाबाई इनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। कई की बुकों में यहाँ पे आपको एंजाबाई इनकी रानी बताया गया है जबकि कई बुकों में पासवान बताया गया है। इसके अलावा आप याद रखें 1861 में मेवाड़ में डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला जो मेवाड़ का महाराणा था वो भी कौन था, आपका स्वरूप सिंह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1861 में कब लगाई जाती है रोक, 1861 में मेवाड़ में डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला जो महाराणा है मेवाड़ का वो कौन है, स्वरूप सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। अब हम बात करेंगे 1857 के बाद की, 1857 की क्रांति के बाद। और 1857 की क्रांति के बाद मेवाड़ के महाराणा होते हैं आपके महाराणा सज्जन सिंह। दोस्तों ये वही सज्जन सिंह है जिनके दरबारी कवि हुआ करते थे कवि राजा श्यामलदास, वेरी इंपॉर्टेंट कवि राजा श्यामलदास, किनके दरबारी कवि थे, कवि राजा श्यामलदास किनके दरबारी कवि थे, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। वही श्यामलदास हैं जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। वीर विनोद के रचयिता कौन है, कवि राजा श्यामलदास। वही सज्जन सिंह जिनके काल में 27 फरवरी 1883 को दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं, सज्जन सिंह को ही बनाया जाता है। और इन्हीं के काल में उदयपुर में देश हितेशनी सभा का गठन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है देश हितेशनी सभा का जो गठन है वो कहाँ पे होता है, उदयपुर में होता है। इसके अध्यक्ष भी किसे बनाए जाते हैं, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को ही बनाया जाता है। देश हितेशनी सभा का गठन कब होता है, 2 जुलाई 1877 को होता है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को। इसके अलावा आप यहां से याद रख सकते हैं कि देश हितेशनी सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इस सभा का जो गठन है वो राजपूतों में विवाह से संबंधित जो रीतियां हैं उनमें सुधार करने के लिए सभा का गठन किया गया था। और इसके अलावा आप यहां से याद रख सकते हैं 1877 में ही इजलास खास की स्थापना की जाती है महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, इजलास खास। और ये इजलास खास क्या होता है दोस्तों, इजलास खास की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1877 में। और ये इजलास खास क्या थी, एक न्यायिक परिषद थी, क्या थी, न्यायिक परिषद जिसमें न्याय किया जाता था। तो इस इजलास खास की स्थापना किसके काल में की जाती है,
महाराणा सज्जन सिंह के काल में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।